पुलिसटॉप के प्यारे दर्शकों को सौरभ द्विवेदी का सादर नमस्कार। ये कागज मेरे हाथों पर है और ये वो एप्लीकेशन है जो कोतवाली में पीड़ितों के द्वारा दिया गया था। इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में लगातार बातें ऐसी उठाई जाती हैं जिनसे समाज में दो फाड़ हो सके, जिनसे समाज में नफरत फैल सके। और जब मैं सुबह पहुंचा था, चूंकि मैं खुद चश्मदीद हूँ, तो जब मैंने देखा यहाँ कुछ पीड़ित खड़े हैं तो मैंने उनसे बातचीत की थी, तब इन पीड़ितों ने एक भी बार ये नहीं कहा था कि हमें जाति की वजह से पीटा गया या हमने क्या कहते हैं वर्मा बताया, चमार नहीं बताया इसलिए पीटा गया। तो जब धीरे धीरे करते कहते हैं ना कि कॉकटेल हो जाता है पूरा मामला, तो कॉकटेल होने की वजह से कहा जा सकता है कि कुछ नेता पहुंचे, कुछ और लोग पहुंचे जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो पहुंचते हैं, और इसके बाद क्या कहते हैं पूरे मामले में एक परिवर्तन आता है और पीड़ित पक्ष एक ऐसा बयान देने लगता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें महज सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि हमने वर्मा की जगह चमार नहीं बताया। तो इसको जाति रंग देने की जो कोशिश की गई है इसको लेकर के मैंने सोचा कि ये बात रखना बेहद जरूरी है। तो इस मामले को दोपहर के बाद राजनीतिक रंग दिया जाने लगा। कुछ सोशल एक्टिविस्ट जब सक्रिय हुए तो उन्होंने इसको जाति रंग दे दिया और शाम तक पीड़ितों का बयान बदल चुका था। उन्होंने कहा कि हमें इसलिए पीटा गया था क्योंकि हमने वर्मा की जगह चमार नहीं बताया और हमारे साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई। लेकिन मित्रों, हम जीआरपी पुलिस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जीआरपी पुलिस ने जिस प्रकार की गुंडई दिखाई है, जिस प्रकार का राक्षसी कृत्य किया है, तो ऐसे में जीआरपी पुलिस के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए और मामले की बड़ी जाँच की जानी चाहिए जिससे क्या कहते हैं पूरा का पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।